नशीले कफ सिरप के साथ युवक हुआ गिरफ्तार। खबर है बिलासपुर जिले का, जहां पर बिलासपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। लगातार कार्रवाई शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इमलीपारा में एक युवक द्वारा अवैध नशीली पदार्थ का बिक्री करते पाया गया। आरोपी तारबहार अंतर्गत कंस्ट्रक्शन कॉलोनी के रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि कई महीनों से नशीली पदार्थ का बिक्री करता था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 168 नग प्रतिबंधित कप सिरप जब्त कर लिया गया है। और आपको बता दें कि इसकी मूल्य लगभग 27,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी नीरज के खिलाफ NDPT एक्ट के तहत कार्रवाई कर हिरासत में ले लिया गया है। जो कि अपना नाम नीरज वस्त्रकार, पिता राम कुमार वस्त्रकार, कंस्ट्रक्शन कॉलोनी तारवार क्षेत्र का रहने वाला बताया। इसके पास रखे बैग को चेक किया गया, जिसमें प्रतिबंधित कप सिरप रखा हुआ था मिला। पूछताछ करने पर इसने जो है इसे बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश करना बताया। इसके संबंध में इसके पास कोई दस्तावेज नहीं होने से इसे विधिवत जो है NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। और प्रतिबंधित सिरप जिनकी संख्या करीब 168 नग है, जिसकी कीमत करीब 27,000 रुपए है, को विधिवत जब्त किया गया। ये कहां से लाता था, क्या अड्डा था उसका लाने का? इसका मूल निवास स्थान गौरेला पेंड्रा पता चला है, और संभवतः इसके तार उधर से जुड़ सकते हैं। इस संबंध में भी अभी पूछताछ की जा रही है। बिलासपुर से रविंद्र टंडन की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।